सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आदमपुर में उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी प्रचार है वो जोरों पे है, गांव-गांव जा करके मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, हम उनसे चर्चा करते हैं। जांगड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। धन्यवाद सड़कनामा का। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के, क्या कुछ परिस्थितियाँ हैं और ये इलाका चूँकि चौधरी भजनलाल का गढ़ कहा जाता है और इस बार पहली बार ही हुआ है कि जब भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया गया है, चौधरी भजनलाल के पोते हैं वो, क्या कहेंगे? देखिए, हमने ये उपचुनाव क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी के त्याग पत्र के बाद आया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए और मनोहर लाल जी की समान विकास की नीतियों में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार से भव्य बिश्नोई को एक अच्छा कैंडिडेट समझते हुए यहाँ पर चुनाव के मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर इनको जहाँ इनके दादा के समय से इनके राजनीतिक विरासत का फ़ायदा मिलेगा, उनके साथ साथ राष्ट्रीय नीतियों के हिसाब से नरेंद्र भाई मोदी जी की छवि का भी फायदा मिलेगा क्योंकि ये कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ मनोहर सरकार के समान विकास के जो आयाम उन्होंने नए खड़े किए और पारदर्शिता तरीके से सरकार को चलाया और नौकरियां हरियाणा में ईमानदारी से दी, उन सब बातों को फ़ायदा मिलेगा और अच्छे चुनावी अंतर मतों के अंतर से ये चुनाव जीतेंगे। जाना जी, जिस तरह से यहाँ पे इस इलाके में कुलदीप बिश्नोई हैं, पहले कांग्रेस में होते थे, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, गांव-गांव में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आदमपुर बदलेगा और उसके बाद हरियाणा में बड़ा बदलाव होगा, आप किस नज़र से देख रहे हैं? कि मुझे नहीं पता भूपेंद्र हुड्डा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जी। लेकिन मैं जैसा समझता हूं उनके कार्यकाल का जो समय था, CLU एक उद्योग था हरियाणा में, 1400 एकड़ ज़मीन गुड़गांव के आसपास के गांव की सेक्शन 6 और सेक्शन 9 के नोटिस दे दिए, 4 के नोटिस दे दिए, उसके बावजूद भी किसानों को डर दिखाया गया, 40 लाख रुपए एकड़ के उनके एक्वायर के नोटिस दे दिए और जब वो ज़मीन बिल्डर्स के हाथ में चली गई, किसानों से बिल्डर्स ने ले ली, वो सारे सेक्शन ख़त्म हो गए और उनका CLU भी मिल गया और जो बिल्डर्स ने 4 करोड़ रुपए एकड़ से ज़मीन खरीदी उनके 400 करोड़ रुपए एकड़ के भाव हो गए। इस तरह से किसानों को जिन लोगों ने लुटवाया है वो किसानों को कौन सा मुद्दा यहाँ पर समझाएँगे, क्या बताएँगे? और नौकरियों के मामले में तो ये होता था कि 90% का लड़का तो मुंह लटका के आता था और 30% का सिलेक्शन लेटर लेके आता था, वो कहता था भाई तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया? बोला मेरा तो भाई सांगी खड़वाड़ी रिश्तेदारी थी, क्योंकि वो गांव है उड्डा का, तो मेरा इसलिए काम चल गया। तो भाई पहले तो ये था कि तो पैसे हों देने के लिए या फिर सांगी खड़वाड़ी बुआ ब्याह रखी हो, तो जब नौकरियाँ मिलती थी तो हमने तो वो सारा तंत्र को तोड़ दिया। अब तो आप रोज़ाना अखबारों में पढ़ते हैं, अभी देखो हर समाज बड़ा ही फ़कर के साथ फेसबुक के ऊपर डाल रहा है कि मेरे समाज के लोगों को इतनी नौकरियां मिल गई न्यायिक क्षेत्र में, कुम्हार अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, जांगड़ा अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, जाट अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, एक क्रेज है आजकल सोशल मीडिया का, तो हर समाज के लोग अपनी अपनी पोस्ट डाल रहे हैं कि हमें मनोहर सरकार में इतनी नौकरियों का कोटा मिल गया, हमें इतनी नौकरियों को, और सब के सब खुश हैं। तो उड्डा का तो एक के नाक का पानी चला करता बिल्कुल, भाई एक के कुणे में बरसी जाओ, बाकी तो हरियाणा सारा सूखा पड़ा रहो, ये हरियाणवी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, तो वो तो एक कुण में बरसिया करता सारा। तो हमने तो मनोहर लाल सरकार ने तो वो सारे चीज़ें तोड़ दी हैं और पूरे हरियाणा में समान रूप से और योग्यता के आधार पर आज नौकरियाँ मिल रही हैं। हमें जींद का उपचुनाव लड़ रहे थे उस समय और ग्रुप डी की भर्तियों का वो आया, तो हाँ रिजल्ट आया
तो कुछ लोग ऐसे थे जो उस समय इनेलो के या दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में थे, उन्होंने कह रहे हमने तो उम्मीद भी नहीं की थी हमारा लड़का भी सिलेक्ट हो जाएगा, हमारे पास कोई पैसे नहीं, कोई स्रोत नहीं ऐसा कि सरकार तक हम चले जाएं और हमारे बच्चे का सिलेक्शन लेटर आ गया, एक घर में से दो दो भी नौकरी मिल गई और उसका इतना भारी फायदा मिला, हमारे भारी बहुमत से हमारा मिड्डा जी वहाँ से चुनाव जीते। तो ये सारे मुद्दे हैं, हुड्डा कौन सा मुद्दा लेके बीच में जा रहा है जनता के बीच में, हमारे समझ में नहीं है, हुड्डा के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का भी काफ़ी वोट बैंक है आदमपुर में, कुलदीप कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो आपको क्या लगता है कि वो वोट भी साथ शिफ्ट होगा? देखिए पिछड़ा वर्ग को केवल कुलदीप की वजह से नहीं, पिछड़ा वर्ग आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट बैंक है, और जब से मोदी जी आए हैं पूरे देश में पिछड़ों के दिमाग में एक बात आई है कि गरीब घर में पैदा हुए व्यक्ति को अगर कोई पार्टी प्रधानमंत्री के सबसे उच्च पद तक पहुंचा सकती है वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ परिवार की राजनीति नहीं चलती, यहाँ शाही खानदानों की राजनीति नहीं चलती, यहाँ राष्ट्रीयता राष्ट्र गौरव और निष्ठा की राजनीति चलती है, समाज के प्रति समर्पण भाव की राजनीति चलती है, उसमें जो आदमी भी योग्यता रखता है वही उसको आगे बढ़ाया जाता है पार्टी की तरफ से। अब मैं राज्यसभा में हूँ, अब ये सुशील गुप्ता जी घूम रहे हैं यहाँ पर, आप पार्टी की तरफ से प्रभारी बनाए गए हरियाणा के, इनसे पूछो कि कितना करोड़ रुपये इन्होंने केजरीवाल को दिए हैं राज्यसभा में जाने के लिए, पूछो ये खुद बता देंगे, अगर कुरेद के पूछोगे तो। मैं बैठा हूँ मैं कह सकता हूँ कि मेरे 100 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे, मैंने जो सिक्योरिटी अब होती है एक आम उम्मीदवार की 10,000 रुपये केवल मात्र वो भरी है, और मैं रात को लाइट ऑफ करके सोने को था तभी मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया कि आप चंडीगढ़ आओ राज्यसभा के लिए फार्म भर दो। तो ये अब कृष्ण पवार जी से पूछो आप कि उनको उम्मीद भी नहीं थी ना कोई उनका विचार था, और उनके पास मैसेज आया कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ो और आप फार्म भरो। तो ये चीज़ें केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी में संभव हैं, और यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का पूरे जनता में फ़ायदा मिलता है। जाना जी आपने कहा कि आपने बताया किस्सा कि 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल ने कहा कि आप आदमपुर के गांव-गांव जाइए, आपको चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, आदमपुर के जो गांव है उनको लेकर के आप, फिर अब चुनाव चूँकि चल रहा है गांव में भी आप जाएंगे प्रचार को लेकर के, परिस्थितियां कितनी बदली हैं उस दौरान की बात करें या आपकी बात करें? देखिए उस समय की आज की परिस्थितियों में तो बहुत अंतर है, इलाके की भी जो है ना वो बदल चुका है, काफ़ी गांव यहाँ पर जो पहले भट्टू में थे अब आदमपुर में है, आदमपुर के थे वो नलवा में चले गए हैं, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। लेकिन उस समय सच्चाई यही है कि चौधरी देवीलाल ने मुझे कहा था कि आपको आदमपुर से चुनाव लड़वा सकते हैं, मुझे लेके आए थे और जनसभा में मेरा भाषण करवाया था लंबा, लेकिन उस समय कार्यकर्ताओं, हालांकि मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता था, चाहता था मैं जी। और क्योंकि मेरे ये थी भाई बड़े पहलवान से लड़ने में जो है ना आदमी बड़ा ही माना जाता है, जिसके जितने वेट से चुनाव लड़ोगे उतने वेट का आदमी तो माना जाएगा जी। लेकिन मेरे कार्यकर्ता उससे जो है ना नाराज़ हो गए, कहने लगे आपको जानबूझ के ऐसी जगह भेज रहे हैं कि जहाँ से जीतने की संभावना नहीं है, कार्यकर्ताओं में होता है जी। तो फिर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए मुझे सफ़ेदों भेज दिया था, लेकिन वो बाद की बात है कि सफ़ेदों से भी काफ़ी बड़ा वो राजनीतिक उलटफेर रहा और मैं चुनाव हार गया वहाँ से। लेकिन ये इतिहास की बातें अब चली गई, काफ़ी लंबी पीछे की बातें हैं, लेकिन उस टाइम मैंने 2 बार चुनाव का यहाँ इसका आदमपुर हल्के का दौरा किया था, बाद में भी किया चौधरी बंसीलाल के समय में भी जब विकास पार्टी हमने बनाई, बाद में भी 2 बार मैंने, जिंदल ने और मनीराम गुदारा जी ने, हमने 2 बार पूरे इलाके का दौरा किया। तो आदमपुर का हर गांव, भट्टू का भी हर गांव मेरा देखा हुआ है, तो परिस्थितियों में तो बहुत बदलाव है और मुद्दों में भी काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, लेकिन तमाम मुद्दों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी का उम्मीदवार भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव जीतेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।